तो लाइट गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं व्यू के वाइस 71 डिवाइस के अंदर आप एक न्यू सिस्टम अपडेट कैसे कर सकते हैं। हालांकि आपको काफी दिनों से अगर फोन सेटिंग के अंदर बाय डिफॉल्ट अपडेट्स नहीं आ रहे हैं तो आप जो है वेबसाइट की मदद से अपडेट कर सकते हैं अपने फोन को। हालांकि ये सब वेबसाइट की मदद से आप जो है लेटेस्ट वर्जन अपडेट कर सकते हो, आप चाहें तो ओल्ड वर्जन को भी अपडेट कर सकते हैं। हालांकि ओल्ड वर्जन आप यहां से अपडेट ना करें क्योंकि पासवर्ड वगैरह की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो चलो हम कैसे बताएंगे कैसे अपडेट करना अपने फ़ोन को। इसके लिए तो आपको जस्ट किसी ब्राउजर को ओपन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं व्यू का ब्राउजर यूज़ कर रहा, तो सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे और इसके बारे में व्यू के वाई 91 डिवाइस के अंदर ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका आर्टिकल भी है। अगर आप चाहें तो उस आर्टिकल को भी रीड करके अपने फ़ोन के अंदर एक न्यू सिस्टम अपडेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक पासवर्ड एंटर करा है, इस पासवर्ड को हम एंटर करेंगे यहाँ पर, जिसमें हमारा ये ब्राउज़र जो है व्यू का ओपन हो जाएगा। हालांकि इसमें ओपन होने के बाद जस्ट आपको व्यू वाले एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पर हमने क्लिक करा, हमारे पास यहाँ पर इसके कुछ एसेसरीज आ जाएंगे लाइक स्मार्टफोन्स वगैरह। आप चाहें तो यहाँ से इसे बाई भी कर सकते हैं। सेल्स वगैरह यहाँ पर चलती है, तो फोन्स की अगर आप यहाँ से बाई करेंगे तो सेल्स में आपको काफ़ी डिस्काउंट्स दिए जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में एक 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट हमें इसे क्लिक करना है। अगेन हमें सपोर्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना है, जिसमें हमारे पास फोर्थ वाला ऑप्शन आएगा सिस्टम अपडेट। तो इस सिस्टम अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हालांकि सर्विस सेंटर वगैरह की क्यूरी आप स्पेस पार्ट्स के लिए आप यहां पर विजिट कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस हैं। और जो मोस्टली हमें यूज़ करना है वो है सिस्टम अपडेट, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। हमारे पास इसमें सिस्टम अपडेट के रिगार्डिंग काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी, जिसमें आपको यहाँ पर प्लीज़ सेलेक्ट द प्रोडक्ट मॉडल, तो आपको सेलेक्ट करना है सबसे पहले अपना स्मार्टफोन। इस एरो को क्लिक करेंगे, हम बात कर रहे हैं वॉइस सीरीज की, तो हम यहाँ से वॉइस सीरीज को सेलेक्ट करेंगे और आप जो है उस अपडेट को हम यहाँ से चेकआउट करेंगे। इसको हम क्लिक करेंगे यहाँ पर इस एरो को। मे बी इंटरनेट काफ़ी स्लो है गाइस, ये एरो जो है क्लिक नहीं हो रही है। मैं इसको दोबारा क्लिक करने की कोशिश करता हूँ। दोबारा से प्रोसेस में फॉलोइंग करेंगे इसको, इसके बाद 3 डॉट, इसके बाद सपोर्ट, देन यहाँ पर हम सिस्टम अपडेट को चूज अगेन करते हैं, जिसमें कि हम यहाँ फिर से एरो पर हम क्लिक करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है सेलेक्ट प्रोडक्ट मॉडल, तो इसमें हम वाई सीरीज को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। देन हम बात कर रहे हैं व्यू के वाई 71 डिवाइस की, तो वाई 71 हमारा यहाँ पर, इसको हम सेलेक्ट करेंगे देन ओके पे क्लिक कर देंगे। हमारे पास जो हमारा फ़ोन है वो आ जाएगा प्रॉपरली व्यू का वाई 71, जिसमें आपको यहाँ पर रिलीज डेट दिख रहा है, कब का ये सॉफ्टवेयर है, कौन सा वर्जन है, फाइल साइज़ कितनी है, डाउनलोड्स कितने लोगों ने करे हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। हालांकि इसका जो करंट वर्जन है 1.17.3 है और इसकी रिलीजिंग डेट की बात करें तो 12/21/2020 का है। हालांकि काफ़ी ओल्ड है। अगर आपके फ़ोन के अंदर ये जो सिस्टम अपडेट का ये लेटेस्ट वर्जन है, अगर यही सेम वर्जन है तो आप यहाँ से अपडेट ना करें। अदरवाइज अगर आपको यहाँ पर वेबसाइट पर लेटेस्ट वर्जन मिल रहा है और आपके फ़ोन में ओल्ड वर्जन है तो आप यहाँ से एलिजिबल हो अपडेट करने के लिए। फाइल साइज़ की बात करें तो ऑलमोस्ट 2 GB समथिंग इसकी फाइल साइज़ है। डाउनलोड इसको 33,783 लोगों ने करा है, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करा है। डाउनलोड करने के लिए जस्ट डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से डाउनलोड फाइल आ जाएगा, जिसमें एक जिप फोल्डर मिल जाएगा। आप चाहें तो उसको रीनेम भी कर सकते हैं। फोन स्टोरेज की लोकेशन को चेंज करने के लिए आप इस पेंसिल आइकन पर क्लिक करेंगे तो आप वहां से डाउनलोड लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। हालांकि आप इसको डाउनलोड कर लेना, इसके बाद इसे इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर ये है, इसको हम ट्यूटोरियल पर क्लिक करेंगे, जिसमें हमारे पास एक इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर है। यहाँ पर आपको सीधा मेंशन है जैसे जैसे आपको अपडेट करना है वो आप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि ट्यूटोरियल फॉर फायरवेयर इंस्टॉलेशन है, यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से हम चूज़ करने के अपडेट करने से पहले हमें जानना होगा कि हमारे फ़ोन का जो करंट वर्जन है वो ओल्ड है या फिर न्यू। अगर आपके फ़ोन सेटिंग्स के अंदर ओल्ड वर्जन है तो आप यहाँ से कैपेबल नहीं हो इसे अपडेट करने के लिए, लेकिन अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हो वेबसाइट पर तो आप इसे अपडेट कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आप जाएंगे अपने सेटिंग्स के अंदर, सिस्टम अपडेट पर क्लिक करेंगे, वहाँ से आप चेकआउट करेंगे अपने वर्जन को। इसके बाद अगर आपके सेटिंग्स में ओल्ड वर्जन हुआ, वेबसाइट पर न्यू हुआ, तो वहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। आपने जो भी इंपॉर्टेंट डाटा वगैरह है बैकअप रखने के लिए यहाँ पर बैकअप कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी फोन्स को फ्लैश करते समय जो आपके फ़ोन का इंपॉर्टेंट डाटा है वो भी डिलीट हो जाता है। इसके बाद अपनी बैटरी कैपेसिटी जो है वो 30% अप होनी चाहिए, इसे आप जो है 30% अप करके रखनी है, क्योंकि एक सिस्टम अपडेट होने में ऑलमोस्ट 10 से 20 मिनट लग जाते हैं, तो आपका जो फ़ोन है वो डैमेज भी हो सकता है। नीचे आपको इमेज से हम समझाते हैं, यहाँ पर इमेज आपको इस तरह से मिलेगा, जो जिप फोल्डर आपने डाउनलोड करा है इस पर आपको जस्ट क्लिक करना है कुछ इस तरीके से। अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको अपडेट का और कैंसिल का दो ऑप्शन शो करता है, तो आप सीधा अपडेट पे कर दीजिए, तो सिंगल एक क्लिक के अंदर वो अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सिंगल यहाँ पर क्लिक करने से अपडेट का ऑप्शन नहीं आता तो आपको इसे लॉन्ग प्रेस करना होगा, वॉल्यूम अप बटन को और पावर बटन को। आपका फ़ोन जो है फास्ट बूट और रिकवरी बूट दो ऑप्शन के साथ ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर नीचे आएंगे तो इस इमेज को यहाँ पर इंस्टॉल अपडेट का ऑप्शन है। हालांकि कुछ फ़ोनों में टच वर्क यहाँ पर नहीं करता, तो आप वॉल्यूम अप डाउन बटन का यूज़ कर सकते हैं। जो न्यू स्मार्टफोन्स आते हैं उसके अंदर टच भी वर्क करता है, तो आप वहाँ टच, अगर न्यू
स्मार्टफोन में कर रहे हैं तो टच से भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, जिसमें इंस्टॉल अपडेट आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ़ोन स्टोर को सेलेक्ट करके पावर बटन से ओके करेंगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर है इजीली आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल्ड हो जाएगा। लेकिन गाइस अगर आपके मन में फिर भी इसके लिए डाउट वगैरह कोई है तो नीचे आप क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, जिसमें आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स शो हो रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इन नंबर्स पे कॉल करके सिस्टम अपडेट के रिगार्डिंग इनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हालांकि ईमेल वगैरह भी है, 24 आवर्स इसका रिप्लाई मिल जाता है, तो आप यहाँ से इजीली उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में मैं इस पर कोई एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जिसमें लाइव डेमो दिखाऊंगा कैसे अपने फ़ोन के अंदर एक न्यू सिस्टम अपडेट कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ में आओ कैसे यूज़ करना है। फिर भी अगर आपके मन में इसके रिकॉर्डिंग कोई कन्फ्यूजिंग वगैरह है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन है, आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।